नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अधिकारी चंद्रकला 165 करोड़ की आसामी है। जी हां, यह पता चला है कि उनकी कुल संपत्ति 165 करोड़ की। अब सवाल इस बात का है कि 8 साल की नौकरी में इतनी अधिक संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित कर ली, जबकि वे अभी तक ईमानदारी की बात करती रही हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीबीआई द्वारा खनन मामले में उनके यहाँ छापा डाला गया था और यह भी बताया गया है कि छापा पड़ने के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक आवासीय प्लाट खरीदा था। 107 नंबर का यह प्लाट तेलंगाना के मलकाजगिरी जिले में बताया जाता है और इस प्लाट की इन्होंने रजिस्ट्री भी कराई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 लाख रुपए के इस प्लाट को उन्होंने बगैर किसी लोन के खरीद लिया। सबसे बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि छापे से 3 दिन पहले ही चंद्रकला द्वारा 1 जनवरी को आईपीआर दाखिल किया गया था और इसमें उन्होंने अपनी कुल सैलरी 91,400 बताई थी। अब सवाल यह है 1 जनवरी 2019 को जो रिटर्न भरा गया उसमें उन्होंने सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की जानकारी दी है और इसके पहले उन्होंने सालों से भरे जा रहे रिटर्न में जिन संपत्तियों की जानकारी दी थी उनकी कोई जानकारी नए इसमें नहीं है, नए रिटर्न में। और यही वजह है कि अब उन सबको सीबीआई द्वारा फिर से सर्च किया जा रहा है। नियमानुसार सारी ही संपत्ति की जानकारी एक साथ देना पड़ती है, लेकिन चंद्रकला द्वारा ऐसा क्यों किया गया यह बात समझ में नहीं आ रही है। उल्लेखनीय है कि चंद्रकला का इन दिनों पूरा विवाद बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रकला की संपत्ति में इतनी अधिक वृद्धि कैसे हुई।